हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली वन टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि हमारा ब्लाउज रहेगा 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन इसमें हम सिंपली वन टक्स विथ बेल्ट रखेंगे, ठीक है। इसमें हम फोर टक्स वाला ब्लाउज नहीं बना रहे, सिंपली वन टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज बना रहे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। एंड देन मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारा ब्लाउज रेडी करेंगे, ठीक है। सो ये मेरी साइड वाला ओपन साइड नहीं है, उधर की साइड वाला ओपन साइड है। एंड देन इधर वाला बंद भाग है, बंद भाग के साइड हम हमारा बैक पार्ट का मेजरमेंट लगाएंगे सबसे पहले। तो जितनी भी हमारी लेंथ है प्लस वन कर लेंगे, हमारी लेंथ रेडी हमें 14 चाहिए, सो उसमें हम प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ 15 इंचेस पर, हमें रेडी लेंथ 14 चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंचेस के, 11 इंचेस हमें रेडी चाहिए, सो मैंने यहाँ पर 5.5 इंचेस लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2.5 इंचेस का मैं गले की डीप रख रही हूँ। एंड देन गला जितना भी हमें बैक में डिजाइन डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप गला बैक साइड का आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल रख रहे हैं 6.5 इंचेस के, ठीक है। यहाँ पर मैं आर्म होल 6.5 इंचेस का मार्क कर रही हूँ ये इस टाइप से। एंड देन इसको स्ट्रेटली यहाँ तक मिला देंगे, जहां तक हमने 6.5 इंचेस पर मार्क किया है वहां तक इसको हम मिला देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जितना भी हमारा चेस्ट मेजरमेंट होता है, अगर आप 32 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे तो सेम यही मार्किंग आप कीजिएगा, ठीक है। एंड देन अगर उसमें आपका चेस्ट बड़ा या छोटा होगा मार्किंग के लिए, तो आप उसमें एड कर सकते हैं, प्लस 2 इंचेस करेंगे स्टिचिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 इंचेस फिटिंग के लिए ले रही हूँ, 8 इंचेस पर एक मार्क लगाया और एक फिटिंग के लिए मैंने 10 इंचेस पर लगाया। उसके बाद हम आर्म होल में 1/2 इंचेस की गोलाई दे रहे हैं, ये बेक आर्म होल में मैंने 1/2 इंचेस की गोलाई दी, ठीक है। अब ये इस टाइप से हमारा ऑल ओवर मार्किंग हो गई, अब इसे नीचे तक मिला लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। एंड देन उसके बाद स्लीव्स एंड उरी पट्टी वगैरह कट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लगा लेते हैं, उसके बाद हम हमारा फ्रंट पार्ट कट करते हैं, ठीक है। सेम जो हमने शोल्डर रखे हैं यहाँ पर भी हम जहाँ से हमारे शोल्डर एडजस्टेबल हो रहे हैं वहां पे मैं मार्क लगा रही हूँ 5.5 इंचेस पर, ठीक है। 5.5 इंचेस पर मैं मार्क लगा रही हूँ, जहां से हमारा चेस्ट मेजरमेंट एडजस्ट होगा वहीं से मैं मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से 5.5 इंचेस पर शोल्डर के लिए मार्क लगाया है, 2.5 इंचेस पर ही मैंने गले का मार्क लिया है। फ्रंट गला हम 6 इंचेस का रख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 इंचेस तक मार्क ले लिया है और इसे राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का गला, ठीक है, ये मैं 6 इंचेस का ही रख रही हूँ। एंड देन उसके बाद जितने हमने आर्म होल बैक पार्ट में लिए थे उतने ही आर्म होल हम हमारे फ्रंट पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6.5 इंचेस आर्म होल के लिए मार्क लगाया है। अब जो हमने यहाँ पर 10 इंचेस लिया था वहाँ हम 11 इंचेस लेंगे, ठीक है। इसमें हम 1 इंचेस का डिफरेंस रखते हैं, आगे के पार्ट में मैं 1 इंचेस ज्यादा ले रही हूँ, ठीक है। फिटिंग के लिए हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हैं, प्लस 1 में कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 11 इंचेस लिया है। अब यहाँ पर हमने इधर की साइड लेंथ ली थी 15 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ और यहाँ पर मैं 16 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट भी अटैच होगा, इसी में से हम बेल्ट कट करेंगे। सो यहाँ पर मैं 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। देन उसके बाद हम ये 1 इंचेस जो एक्स्ट्रा है ये वाला हमारा 1 इंचेस से, जितनी हमने यहाँ की लेंथ रखी थी बैक पार्ट की उससे 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसमें से हम बेल्ट कैसे कट करेंगे, सो यहाँ से हम ऊपर की साइड से जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा यहाँ पर मैं 11 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, ठीक है, 11.4 इंचेस पर। देन उसके बाद इधर की साइड से हम जो हमारा हुक पट्टी का साइड रहता है वहां से मैं 4.5 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ, और जो हमारा फिटिंग की साइड रहता है यहाँ से हम 3.5 इंचेस का मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। 1 इंच का हम यहाँ पर डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब इस मार्क को इस टाइप से एड कर देंगे, ठीक है। एंड देन एड करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे, सिर्फ 1 टक्स ब्लाउज बनाएंगे। सो ये हो गया हमारा बेल्ट, बेल्ट हमने सिंपली इसी में से कट किया है। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्क लगा रहे हैं, ये होगा हमारा टक्स पॉइंट। एंड ऊपर की साइड से मैं ले रही हूँ 3.2 इंचेस, ठीक है, 3.2 इंचेस यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड से टक्स का मार्क लिया है। एंड देन यहाँ पर
इस टाइप से इसको मिला लेंगे। 1 इंचेस यहाँ पर हमने 3.5 लिया है, अब यहाँ 4.5 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को इस टाइप से एड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टक्स पॉइंट। एंड देन उसके बाद हमने आर्म होल में यहाँ पर 1 इंचेस की गोलाई लेनी, बैक साइड में हमने 1/2 इंचेस की गोलाई ली थी, सो यहाँ पर हम 1 इंचेस की गोलाई ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर हम हमारा गला ज्यादा बड़ा रहता है सो वो कंधे नहीं खसके, इसके लिए हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तीरा लगाएंगे, मतलब इसमें थोड़ी सी कंधी में उतार दे देंगे, ठीक है। 1/2 इंच का मैंने दोनों साइड से कंधी में उतार दिया है। देन इसके बाद अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की मार्किंग करना है, तो स्लीव्स की लेंथ में यहाँ पर हमें रेडी 3 इंचेस चाहिए, सो मैं यहाँ पर 4 इंचेस ले रही हूँ, 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 4 इंच पर मैंने मार्क लगाया। इधर की साइड से हम यहाँ पर लगा रहे हैं मार्क 3 इंचेस पर, ठीक है। मैंने इधर की साइड से 4 इंचेस पर लगाया और इधर से ले रही हूँ मैं 2.6 इंचेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेंटर में मार्क लगाया 4 इंचेस में, उधर की साइड 3 इंचेस पर और यहाँ पर 2.7 इंचेस पर। अब इस मार्क को इस टाइप से ऐड कर लेंगे। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग की फुल ट्यूटोरियल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की हुई है उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्लीव्स की कटिंग किस टाइप से की जाती है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कटिंग की है, उसको मैंने फोल्ड कपड़े को डायरेक्ट कट नहीं किया है, सो मैंने यहाँ पर इस टाइप से कट कर लेंगे। और जो हमारी बॉटम की स्लीव्स की फिटिंग रहेगी उसमें +2 इंच करके हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ठीक है। जितना भी हमारा बॉटम स्लीव्स का फिटिंग रहती है उसमें +2 इंच करते हैं, एंड देन ये हमने फिटिंग के लिए मार्क लगा दिया है। सो ये ऑल ओवर हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसमें से सिर्फ हमें हुक पट्टी निकालनी है एंड देन आई पट्टी निकालनी है और जो हमारी गले में उरीप पट्टीज होती है वो कट करेंगे, ठीक है। ये हमने पीछे की साइड बहुत छोटा गला लिया हुआ है, सो ये अब यहाँ पर हम उरीप पट्टी जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से उरीप पट्टी भी कट कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं हमारा पास ऑलमोस्ट फैब्रिक बहुत सारा बचा हुआ है, सो उसमें से हम इजीली साइड पट्टी, उरीप पट्टी और हुक पट्टी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से आप उरीप पट्टी कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले मैं उरीप पट्टी कट करना कैसे बताती हूँ। मैं वो उरीप पट्टी कट करने के लिए हम सीधा फैब्रिक ले लेंगे, स्ट्रेटली पहले फैब्रिक को कट कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप डायरेक्टली फैब्रिक पर उरीप पट्टी कट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको और इजीली तरीका बता रही हूँ कि उरीप पट्टी कैसे कट करे। सो यहाँ से मैं 2 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, इधर की साइड से मैंने 2 इंचेस पर मार्क किया है और एक मार्क मैंने 1 इंचेस पर किया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से मैंने 2 इंचेस पर किया है और जो नीचे के मार्क था उसको मिला देंगे और ऊपर की साइड से 1 इंचेस पर मार्क करेंगे और इधर की साइड से भी 1 इंचेस पर मार्क करेंगे और ऐसे ही बहुत सारी उरीप पट्टी कट कर लेंगे 1-1 इंचेस का डिफरेंस लेते हुए। सो यहाँ पर मैंने 1-1 इंचेस की उरीप पट्टी कट की क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक था। अगर आपका साड़ी का फैब्रिक होता है तो आप 1.5 इंच की उरीप पट्टी लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा कॉटन है सो इसमें धागे नहीं निकलेंगे, सो इसलिए मैंने यहाँ पर उरीप पट्टी 1 इंचेस की कट की है। देन इसके बाद यहाँ से हम निकाल सकते हैं हुक पट्टी, ये हमारी हुक पट्टी हो जाएगी और यहाँ से निकाल लेंगे हम आई पट्टी। सो ये ऑल ओवर हमारी कटिंग हो गई है ब्लाउज की। अब इसे स्टिचिंग करना रहेगा सब। सो या आई होप सो गाइस आपको 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग इजीली समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बेल्ट भी डायरेक्टली कट किया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। ऑल ओवर जितनी भी हमने मार्किंग की है इसको हम कट कर लेंगे। गाइज ये था हमारा 32 चेस्ट का ब्लाउज और 1 टक्स विथ बेल्ट वाला ब्लाउज। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज, कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग देखना है सो आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक शेयर की हुई है, आप इजीली उसे वॉच कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर इजीली तरीका बताया है डायरेक्टली बेल्ट कैसे कट करें वो मैंने आपको बताया है। अगर आप प्रिंसेस कट भी ब्लाउज बनाते हैं ना तो डायरेक्टली बेल्ट इजीली इसी टाइप से कट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज। ये मैंने आपको इजीली बेल्ट किस टाइप से उसी में से कट करें वो मैंने आपको शो किया। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना,